गाइस मेरे हाथ में है आईफोन 6s। ये काफ़ी पुराना डिवाइस है, 9 ईयर्स हो चुके हैं इसको रिलीज़ हुए, और 9 ईयर के बाद भी आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो, एक भी डेंट नहीं है। ये मैंने सेकंड हैंड परचेज़ किया है 64 GB 5,500 रुपये में, और फिंगरप्रिंट वर्किंग है, बैटरी यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, iOS 15 का सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ टाइम के बाद इसमें UPI एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज़ करना है तो आप ये परचेस कर सकते हो, प्राइमरी फ़ोन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी भी इसमें UPI वाली एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है। लास्ट टाइम 6 में UPI एप्लीकेशन बंद हो चुकी थी, और 6s में भी कुछ टाइम के बाद UPI वाली एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी। आप उसके बाद नॉर्मली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के लिए इसको यूज़ कर पाओगे। हालांकि अभी भी मैं इसमें नॉर्मल यूज़ ही कर रहा हूँ, मतलब कि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ये फ़ोन ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप फ्रंट वाला कैमरा भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो वोटो आ जाती है, और बैक वाले कैमरे में भी आप वीडियो शूटिंग कर सकोगे। यहाँ पे फ्रंट वाले की क्वालिटी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिवाइस है, स्लिम है, और लेकिन बैटरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा आपको। बैटरी आपको 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा दिन में, क्योंकि काफ़ी पुराना डिवाइस है। हालांकि यहाँ पे वायरलेस का भी सपोर्ट नहीं मिलता, 3.5 mm जैक मिल जाता है तो आप बोया का माइक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट से आप चार्ज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसकी वजह से डिस्प्ले की साइज़ काफ़ी छोटी है गाइस, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी फ़ोन की तरह चाहिए तो आप इसको यूज़ कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। 6 से बेटर परफॉर्म करेगा 6s। हालांकि अगर नॉर्मली स्पेसिफिकेशन आप लोग देखने के लिए जाओगे ना तो आपको एक ही जैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको iOS वर्जन 15.8.2 मिलेगा, और वहीं पे 6 में कुछ 12 समथिंग है iOS वर्जन, तो काफ़ी पुराना है। लेकिन ये इसमें भी लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको नॉर्मली वर्क करेगा, आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप लोगों के पास है आईफोन 6s तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब कि परफॉर्मेंस सही से कर रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।